हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तुलसी के प्लांट हर किसी के घर में होते हैं और भारत में तो तुलसी का पौधा आपको हर घर में मिलना ही मिलना है। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जो हम जानते नहीं हैं, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में तुलसी के अनगिनत फ़ायदे बताऊंगी। तो आप वीडियो पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा तुलसी का पौधा जिसको मैंने शीट से ग्रो किया था। अभी कुछ दिन पहले मैंने इसमें अपनी तुलसी से शीट लेकर इसमें डाले थे और काफ़ी जल्दी ये पौधा ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, केवल तुलसी का पौधा एक पौधा ही नहीं होता, बल्कि ये जड़ी बूटी के रूप में भी काफ़ी अच्छा माना जाता है और हर घर में इस पौधे के होने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस पौधे में विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे तो तुलसी की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहती है वो है कृष्णा तुलसी और रामा तुलसी। ये पौधे आपको हर घर में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तुलसी की पत्तियों को सबसे ज़्यादा गुणकारी माना जाता है। इसकी पत्तियों का चूर्ण बनाकर और बीजों का उपयोग करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। अदरक और शहद के साथ तुलसी मिलाकर आप हर्बल चाय बनाकर सर्दियों में पी सकते हैं। इससे बुखार, पेट दर्द और संक्रमण जैसी बीमारियां दूर हो सकती हैं। तुलसी के उपयोग से भूख बढ़ाने, पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलती है। और तो और, तुलसी में रोगों से लड़ने की अद्भुत ताकत होती है। यह हमारे इम्यूनिम सिस्टम को बेहतर बनाती है। तुलसी का सेवन करने से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कान में दर्द होने लगता है, कान में सूजन हो जाती है, तो आप तुलसी का 2-3 बूंदे रस निकाल सकते हैं और उसको गर्म करके ठंडा करने के बाद अपने कान में 2-3 बूंदे डालें, आपको दर्द में राहत मिलेगी। और अगर कान के पीछे सूजन हो रही है तो आप तुलसी के पत्तों को अरंड की कोपलों के साथ पीस लें और इसको नमक मिलाकर इसका लेप गुनगुना करके अपने कान के पीछे लगाएँ, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और अगर कभी आपको सर्दी खांसी हो जाए तो उसमें तो इसके अद्भुत फ़ायदे देखने को मिलते हैं। आप सर्दी खांसी में आराम देने के लिए भी तुलसी का यूज़ कर सकते हैं। तुलसी का काढ़ा बनाने के लिए आपको 8-10 तुलसी की पत्तियां चाहिए। उन्हें अच्छे से धो लें और उसमें 2-4 लौंग, 2-4 काली मिर्ची, गुड़ और थोड़ी सी उसमें अदरक डाल के उसका काढ़ा बना लें। गर्मी में अगर आपको सर्दी खांसी हुई है तो आप 1 चम्मच लीजिए दिन में 2 बार, और अगर सर्दी में ले रहे हैं तो 2 चम्मच का यूज़ 1 बार में कर सकते हैं। अगर आपको मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम है तो आप तुलसी के पत्ते मुंह में 2-4 मिनट के लिए दबाकर रखें। इससे आपके मुंह की दुर्गंध दूर होगी। आप इसके पत्तों को खा भी सकते हैं। इनको खाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तुलसी में काफ़ी एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो हमारे लिए हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। चलिए, हमने इसके फ़ायदे के बारे में तो जाना, अब हम जानते हैं कि इसको अपने घर में हम ग्रो किस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको 2 तरह से ग्रो कर सकते हैं। आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं, चाहें तो आप नर्सरी से भी इसका पौधा खरीद के ला सकते हैं। सीड आपको अपने घर के आसपास ही किसी भी घर में मिल जाएंगे। आप थोड़े से सीड लीजिए और अपनी हथेली की हेल्प से थोड़ा सा मसलकर मिट्टी में बखेर दीजिए और उसमें पानी आपको डालना है टाइम टाइम पर। 2-4 दिनों में ही आप देखेंगे कि आपके काफ़ी सारे प्लांट इसके बन गए हैं। और इस प्लांट की केयर करना भी बहुत आसान है। केवल आप इसमें टाइम टाइम पर पानी देते रहिए, आपका ये प्लांट हमेशा चलता रहेगा। 2-3 घंटे की इसको सनलाइट मिल सके ऐसी जगह पर रखें इसे। और तो और, अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है तो भी इसकी पत्तियों को आप पीस कर और अपने फेस पे लगा सकते हैं। आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा और जो पिंपल्स के या किसी भी चीज़ के छोटे छोटे दाग हो जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए, आपके लिए जल्दी ही नया वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि तुलसी के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। तो अगर आपने तुलसी का पौधा नहीं लगाया है अपने घर में तो आज ही तुलसी का पौधा आप चाहे तो मार्केट से ख़रीद के लेकर आए नर्सरी से, या अगर आप चाहें तो किसी से इसके सीड्स भी ले सकते हैं। इस सीज़न में अगर आप इसके सीड डालेंगे तो बहुत जल्दी से इसके पौधे ग्रो हो जाएंगे। मैंने अभी आपको जो प्लांट दिखाया है वो मैंने सीड से ही ग्रो किया है। मैंने बताया आपको, मैंने अपनी जो तुलसी के जो बीज होते हैं उन्हीं को मसल के इसमें डाला था। तो आप देख सकते हैं कितने सारे प्लांट उसके बन चुके हैं।
तो इसी तरह से आप भी इसके ढेरों प्लांट बना सकते हैं, और तुलसी का पौधा तो हर घर में होना ही चाहिए। तो चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेती हूँ आपसे विदा। बाय फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ज़रूर।